जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ अपराधी किस्म के लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह के तरीकों से लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है। चोर अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लोगों को लूट रहे हैं। कभी किसी अनजान लिंक पर टैप करने को कहा जाता है और कभी कभी तो आपसे KYC के नाम पर OTP पूछकर आपको ठग लिया जाता है। इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने कुछ जानकारियां साझा की है। किस तरह हो रही है ठगी? साइबर अपराधी एनी डेस्क, टीम व्यूवर जैसे क्विक सपोर्ट ऐप को हथियार बनाकर ठगी कर रहे हैं। इस तरह के ऐप एक रिमोट एक्सेस ऐप की तरह काम करते हैं, जिसमें कोड शेयर करते ही आपका मोबाइल दूसरे के नियंत्रण में चला जाता है। इस ऐप के माध्यम से साइबर ठग आपके मोबाइल का कंट्रोल अपने पास लेकर आपको चूना लगा जाते हैं। इसके अलावा साइबर ठगों ने ठगी करने का एक नया तरीका भी निकाला है। इसमें ठग बिजली बिल के बकाया होने की बात बताकर आपको ठगने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, ये ठग बिजली आपूर्ति बाधित किए जाने की धमकी भी देने से नहीं चूकते। सबसे पहले ठगों द्वारा एक SMS भेजा जाता है। SMS में मोबाइल नंबर भेजकर संपर्क करने को कहा जाता है। जैसे ही आप इनके संपर्क में आएंगे, ये ठग आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। एक बार आपके फंसते ही आपसे पैसे की मांग करेंगे और जरा सा चूकते ही आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। आप इस तस्वीर को देखें। यदि आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है तो सावधान रहें। अगर बिजली बिल से संबंधित कोई SMS या ईमेल प्राप्त हो तो संबंधित बिजली विभाग के ऑफिशियल नंबर या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सत्यापित कर लें। आइए जानते हैं सुरक्षित रहने के तरीके। साइबर ठगी से बचने का सबसे पहला उपाय है, किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर आप अपने मोबाइल में कभी भी एनी डेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई कोड या OTP शेयर ना करें। ज़्यादातर मामलों में ऐप इंस्टॉल करवाने या OTP पूछे जाने की बात सामने आती है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक ADGP नैयर हसनैन खान ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया, जब भी किसी अनजान नंबर से ऐसे मैसेज या कॉल आए तो संबंधित विभाग के ऑफिशियल नंबर या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सत्यापित कर लें। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।